2024 का एलिमिनेटर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान ने 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की। इस तरह रॉयल्स ने क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है, जहां उनका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 172 रन ही बना सकी। आरसीबी ने पहला विकेट कप्तान फाफ टू प्लेसी के रूप में गंवाया। वो 14 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर रोमन पवेल ने कैच किया। विराट कोहली भी इस मुकाबले में कमाल नहीं कर सके। वो 24 गेंदों में 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विराट कोहली को युजवेंद्र चहल ने ड्यूएन फेरेरा के हाथों कैच आउट करवाया। हालांकि किंग कोहली आईपीएल इतिहास में 8000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए हैं। कैमरन ग्रीन ने किस गेंद पर 27 रन बनाए। मैक्सवेल पहली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। रजत पाटीदार ने आरसीबी की पारी संभालते हुए 34 रन बनाए, जो टीम का उच्चतम स्कोर था। वहीं महिपाल लोमरोर ने तेजी से 32 रन की पारी खेली। इस तरह आरसीबी की टीम 20 ओवर में 172 रन ही बना सकी। आवेश खान ने 3 विकेट झटके, तो वहीं अश्विन को 2 विकेट मिले। संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और चहल ने भी 1-1 विकेट लिए। अब चेंज करने की बारी राजस्थान रॉयल्स की आई। राजस्थान की टीम को यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई। वो 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए। टॉम कोहलर 25 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान संजू सैमसन का भी बल्ला मुकाबले में नहीं चला। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे निकले, लेकिन कर्ण शर्मा की गेंद पर दिनेश कार्तिक ने उन्हें स्टंप कर दिया। अब एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन रियान पराग और शिमरोन हैचमायर ने गजब की बैटिंग की और राजस्थान को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। रियान पराग ने 26 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, तो वहीं शिमरोन हैचमायर ने 14 गेंदों में 26 रन बनाए। अंत में रोमवेन पॉवेल ने छक्का मारकर मैच जिता दिया। उन्होंने 8 गेंदों में 16 रन बनाए। वैसे आरसीबी की टीम 9वीं बार प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल हुई थी, यानी कि कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में आकर शायद सफलता उन्हें नहीं मिल पाती। लेकिन इस बार भी क्वालिफायर तक नहीं पहुंच सकी। 3 बार ये टीम फाइनल में पहुंची है, लेकिन 1 बार भी खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है। इस बार भी विराट कोहली की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब उन्हें अगले साल का इंतजार करना होगा। वहीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। अनुष्का काफी ज्यादा टेंस नजर आई, मायूस नजर आई, लेकिन हाँ, अपने पति के सपोर्ट में जरूर नजर आई।